हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकले हैं लापास वाटरफॉल से। तो यहाँ से हमारा ब्रोट वैली का टूर होता है फिनिश और जाएंगे जीपी की तरफ। तो मिलते हैं आपको वहीं पे। तो बरोट वैली से जीबी का रास्ता है 131 किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स 15 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से। दैट मीन्स हमें 6:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ये हमें यहाँ से बरोट वैली से पहले मंडी की तरफ जाना पड़ेगा, मंडी से फिर मनाली वाला रास्ता हो जाएगा। रास्ते से औक से हम रास्ता चेंज कर लेंगे, वहाँ से एक टनल मुड़ जाती है मनाली की तरफ और एक दूसरा रास्ता है जो सीधे ही निकल जाता है जीबी की तरफ। हमने जीबी की तरफ वाला रास्ता लेना है। हम जैसे पंजाब से मंडी की तरफ आते हैं तो हमें रास्ते में मिलता है बिलासपुर, बरमाना, सुंदर नगर, गुटकर, देन मंडी आता है। लेकिन बरोट वैली से मंडी की तरफ जाने के लिए पहले हमें गवाली आएगा, फिर पहाड़ आएगा, नारला आएगा, कुन्नू, शिलाग, बिजनी, देन मंडी आएगा। मंडी से हम थोड़ा आगे जाएंगे औथ टनल तक, फिर औथ टनल से हमारा रास्ता चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क मिलेगा। रोड्स की कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे चल रही है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपको इनकन्वीनियंस हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर रास्ता अच्छा है। If you ask about the condition of the road, जो रास्ता है the condition is very good, but the thing is roads are very congested. वो काफ़ी ज़्यादा congested हैं। जैसे आपको दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है, आपको रुक कर रास्ता देना पड़ सकता है। काफ़ी जगह पर नहीं, लेकिन काफ़ी जगह पर देना पड़ता है, तो इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है वहाँ पर पहुँचने के लिए। राइट नाउ वी हैव क्रॉस मंडी, हमने मंडी को क्रॉस कर लिया है। अभी मंडी से औथ टनल तक का जो रास्ता है वहाँ तक हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि पंजाबीज जो होते हैं वो ज़्यादातर मनाली की तरफ जाते हैं और मंडी से औथ टनल तक का रास्ता मनाली के लिए रास्ता जो आता है वो सेम है। इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। वहाँ से जब हम जीबी की तरफ मुड़ेंगे तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, क्योंकि जीबी एक ऐसा प्लेस है जो काफ़ी ज़्यादा पंजाबीज़ को नहीं पता है, नॉट ओनली पंजाबीज़ बट और भी काफ़ी स्टेट्स के लोगों को नहीं पता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट द मेन डेस्टिनेशन फॉर हॉलीडेज। तो इसी वजह से वी हैव पिक्ड दैट प्लेस फॉर आर हॉलीडे। अभी हमें जाना है मंडी से औथ टनल की तरफ, जो के है 31 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम देयर, एंड उसमें लगेंगे हमें 1.25 घंटे का सफ़र, नियरली 1.25 घंटा लगेगा। तो यहाँ से हम चलते हैं औथ टनल की तरफ। ट्रैफिक कंजेशन की एक और वजह है, एक तो वजह है हॉलीडेज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा रश है, दूसरी वजह है कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द टनल्स। पंजाब टू मनाली की तरफ जब हम जाते हैं तो रास्ते में टनल्स ही टनल्स बनाई जा रही हैं ताकि हमारा जो जर्नी है वो कन्वीनियंटली जाए। तो इसी वजह से वो कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो हमें जाने में अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। You can see the number of the cars which are trying to go to Manali. Most of the cars are from Punjab.
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनाली जो हॉलीडे डेस्टिनेशन है वो मोस्टली पंजाबीज के लिए है, क्योंकि हमें ये नज़दीक पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा लोग जाकर वापस भी आ रहे हैं इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी। लेकिन अभी इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, द रीज़न इज़ अभी काफ़ी ज़्यादा जो टनल का कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो टनल जो मतलब के टू वेज हैं, जाने के लिए अलग आने के लिए अलग, दैट्स वाई हमें काफ़ी ज़्यादा लाइक हमारा टाइम बच जाता है वहाँ पे जाने आने के लिए। ये जो टनल्स हैं यहाँ पर लोगों की सेफ्टी को देखते हुए बनाई गई हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह का कोई खतरा नहीं है। एक टनल से निकलो दूसरे टनल के अंदर जाओ, टनल्स में ही आधा सफ़र हमारा निकल जाता है और इसके साथ साथ हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव होता है, क्योंकि टनल्स के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रास्ता कट ऑफ करने की कोशिश की जाती है। ये हम पहुंच चुके हैं औथ टनल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये रास्ता सीधा जाते कुल्लू की तरफ, हमने यहाँ पर नहीं मुड़ना है। वी आर क्रॉसिंग दैट टनल स्ट्रेट अवे, हम सीधा जाएंगे, ये चली गई मनाली की तरफ और हम जाएंगे जीबी की तरफ। यहाँ से लाइक हमारा जो ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 90% ऑफ द कार्स हैं जो वो टनल की तरफ टर्न हो चुकी हैं। ये जो नदी हमारे साथ साथ में जा रही है दैट इज तीर्थन रिवर, तीर्थन नदी है ये। फ्रॉम ऑच टनल टू जीबी हमारा जो रास्ता है वो है 33 किलोमीटर्स, हमें पूरा 1.5 घंटा लगने वाला है वहाँ पे पहुँचने के लिए। दैट मीन्स हम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। जो हमारा टाइम एस्टिमेशन था 6 o'clock, वो मुझे लग रहा है हम 6 o'clock ही वहाँ पे पहुँचेंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा रास्ते में ब्रेक ली है, बच्चे हैं हमारे साथ, कभी किसी को भूख लगाई, कभी क्या ऐसे करके मतलब ब्रेक्स लेते हुए हम जा रहे हैं। तो अभी हम मुझे लग रहा है कि 6 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये जो नदी मैं आपको बार बार से दिखा रही हूँ दैट इज़ द सेम रिवर, दैट तीर्थन रिवर, ये बंजर से थोड़ा किलोमीटर्स आगे मुड़ जाएगी, सीधा निकल जाएगी और हम वहाँ से मुड़ जाएंगे जीबी की तरफ। बंजर जीबी से कुछ किलोमीटर्स पहले आता है, एक सिटी, काफ़ी बड़ी सिटी है, तो वहाँ से पहले ये रिवर सीधी चली जाएगी और हम वहाँ से जीबी की तरफ चले जाएंगे। दैट इज़ बंजर, ये बंजर सिटी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगा रहता है, क्योंकि रोड्स हैं जो कंजस्टेड हैं और काफ़ी ज़्यादा बिग सिटी होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है उसी की वजह से। तो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइक ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है, हम काफ़ी ज़्यादा स्लो जा रहे हैं यहाँ से।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं जीबी सिटी में। यहाँ पे वो जो आपको आगे बाइक दिख रही है, दैट पर्सन इज टेकिंग अस टू आर कॉटेजेस। हमने यहाँ पे ऑनलाइन कॉटेज बुक करवा रखी है टू नाइट्स के लिए, क्योंकि हॉलीडेज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा रश है। हमें नहीं पता कि बाद में हमें कोई होटल वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए हमने एडवांस में बुकिंग करवा रखी थी। तो यहाँ से लाइक ही सेइंग दैट द कॉटेजेस आर इन बाहू, बाहू सिटी में है, जो कि यहाँ से आई थिंक 7 to 8 किलोमीटर अवे है। वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें लगता है हाफ एन आवर, काफ़ी ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि रोड अगेन इज़ वेरी वेरी कंजस्टेड। तो हमें काफ़ी ज़्यादा लाइक जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रही है, हमें रोक कर साइड देनी पड़ रही है उसको, या फिर वो गाड़ी रोक के हमें साइड देगी, ऐसे कोऑपरेट करके आगे आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जीबी से भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है, तो ठंड भी लग रही है लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे आ। ओके, तो अभी तक तो हम पक्की रोड पे थे, तो दैट पर्सन इज सेइंग के हमें रोड से हटके थोड़ा डिफरेंट रोड पे जाना पड़ेगा, जो कि हमें बाहू विलेज की तरफ लेके जाएगी। तो वहाँ पे हमारी कॉटेजेस हैं, तो वी आर गोइंग आफ्टर दिस पर्सन, क्योंकि वी आर टोटली कन्विंस्ड, क्योंकि वेदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, माहौल काफ़ी शांत है। कंडीशन ऑफ द रोड इज़ नॉट वेरी गुड, दैट्स वाई दैट पर्सन इज जस्ट बिफोर अस, वो हमें लेके जा रहा है, वो बारी बारी से पीछे हमें चेक भी कर रहा है कि वेदर वी आर ऑल राइट और नॉट, क्योंकि उस पर्सन ने वैसे बोला है कि इस रोड पे इतना ज़्यादा कोई डेंजर नहीं है, फिर भी हमें थोड़ा लग रहा है कि हाँ मतलब हम वहाँ पे ठीक ठाक पहुँच जाएँ। सो गाइज, दिस इज़ द प्रॉपर्टी इन जीबी विच वी हैव बुकड ऑनलाइन। हमने टू नाइट्स के लिए पहले ही बुक करवा के रखी हुई थी, बिकॉज वी वर नॉट श्योर कि हमें पूरे टाइम पे मिल पाएगी कि नहीं, बिकॉज हॉलीडेज़ का टाइम है तो पीक सीज़न की वजह से, तो हमने पहले एडवांस में बुकिंग करवाई थी। दिस इज़ द कॉटेज, ये हमारा कॉटेज है, लेट मी शो यू इट फ्रॉम इनसाइड। देयर आर 3 beds, दिस इज़ द फर्स्ट बेड, second bed and the third bed, washroom area, hot water facility is there, so everything is neat and clean, which I really wanted to have. So friends, this is the end of the video. कल हम जाने वाले हैं मॉर्निंग में जलोरी पास, एंड आफ्टर दैट जीबी वाटरफॉल, तो वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।